तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ गए बहुत दिन बाद ट्रैक्टर की रेंज में सोनालिका की तरफ से आने वाला टाइगर सीरीज का 65 HP ट्रैक्टर, वो भी 4-व्हील ड्राइव के साथ। टायर देखिए कितने बड़े टायर और कितना बड़ा ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। सोनालिका का जो 65 HP का ट्रैक्टर है, इसके फीचर, इसकी जानकारी, उसमें क्या क्या हमको चीज़ मिलती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ट्रैक्टर का लुक देखिए कितना शानदार आपको दिख रहा है। यूरोपियन लुक के साथ ट्रैक्टर मिल रहा है। टाइगर की बेचिंग सामने मिल रही है और काफ़ी बड़े टायर, सामने के टायर इसमें देखिए आपको कितने बड़े टायर यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो अगले टायर है इस ट्रैक्टर में काफ़ी बड़े, 11, 2, 24 के बड़े टायर मिलने वाले हैं। पीछे के टायर 16 और 28 के मिलने वाले और बहुत ही हेवी ड्यूटी और बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर हमको मिलने वाला है 4-व्हील ड्राइव में। ट्रैक्टर के फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी शानदार हमको यहाँ मिलने वाला है। सामने हमको 48 लाइट मिलने वाली है जो कि हमको काफ़ी शानदार लुक देती है। सामने सोनालिका की बेचिंग के साथ टाइगर की बेचिंग भी मिल जाती है और इसका जो फ्रंट एक्सल है वो काफ़ी हेवी ड्यूटी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा फ्रंट एक्सल मिलने वाला है। ड्यूल एक्टिंग की पावर स्ट्रिंग के साथ काफ़ी दमदार आपको मिलने वाला है, जो सामने से कभी ट्रैक्टर उठने वाला नहीं है। साइड में हमको यहाँ पे 3D एयर कूलिंग मिल जाती है। चारों तरफ से हवा की सुविधा इस ट्रैक्टर में, क्योंकि इंजन को लंबे समय तक काम करने पर भी यहाँ पे गर्म नहीं होने देती। वही ट्रैक्टर के फीचर की बात करें तो साइड में हमको सोनालिका की बीचिंग के साथ काफ़ी दमदार यहाँ पे टाइगर DI 65 की बीचिंग और दमदार मिल जाती है, जिसमें आपको HDM हेवी ड्यूटी प्लस माइलेज, ऑयल रिवर्स ब्रेक, मल्टी स्पीड शटल टेक गियर, IPTO इंडिपेंडेंट PTO मिल जाता है, लिफ्टिंग कैपेसिटी 2200 kg की और बहुत सारे फीचर हमको इस ट्रैक्टर में मिलने वाले हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की, तो हमको यहाँ पे 4D एयर कूलिंग, पावर स्टीयरिंग, CRDS इंजन, डिजाइन इन यूरोप, स्मूथ शिफ्टिंग टैक, एक्सपोस सेंसिंग और यहाँ पे हमको इस ट्रैक्टर में हम मिलने वाली सोनालिका की तरफ से 5 साल की ट्रैक्टर की वारंटी। एक बार ट्रैक्टर देखिए इतना शानदार, और इस ट्रैक्टर में हमको शटल गियर मिल रहा है, यानी कुल मिला के इस पर 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर के ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्रैक्टर का इंजन की बात करते तो सामने से हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको, सामने से ट्रैक्टर का खुलने वाला बोनट आपको मिल जाता है 1-piece बोनट, क्योंकि यहाँ से हमको 1 क्लिक में हम इसको खोल सकते हैं। ये खुल गया गाड़ी का बोनट। बोनट में हमको डबल हाइड्रोलिक रॉड मिल जा रही है जो कि बोनट ऊपर को उठा के रखती है, और ट्रैक्टर में काफ़ी बड़ा हमको यहाँ पे रेडिएटर मिल जा रहा है, जैसे कि आप देखोगे सेफ्टी पर्पज़ के लिए। यहाँ पे हमको एक जाली भी मिल जाती है, रेसिंग वेसिंग में जब हम काम करते हैं उसमें डस्ट वगैरह जाने की संभावना कम होती है। साथ में बड़ा हमको एयर कूलर मिल जा रहा है यहाँ पे, जो कि ड्राई टाइप का एयर कूलिंग है। सिस्टम काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है, सामने सुरक्षित है। ट्रैक्टर की बैटरी की पोजीशन की बात करें तो सामने न देते हुए हमको यहाँ पे साइड में मिल जाती है ट्रैक्टर की बैटरी, जो कि एक बॉक्स में सुरक्षित लगी हुई है। और बहुत सारे मेरे भाई जब कीचड़ में काम करते हैं तो क्या सामने के टायर से कीचड़ उछलने की बहुत समस्या आती है, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको बढ़िया यहाँ पे मिल जा रहा है मडगार्ड टाइप का, जिससे आपको यहाँ पे कीचड़ की समस्या से निजात मिल जाएगा, मतलब कीचड़ आपको उछलेगा नहीं। ट्रैक्टर काफ़ी मजबूत और हैवी आपको ये मिलने वाला है, यानी काफ़ी मजबूत, ऐसा नहीं कि टूट जाए, बहुत मजबूत आपको मिलने वाला है। दमदार ट्रैक्टर की इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमको मिल जाता है 65 HP का दमदार इंजन, जो कि 4 सिलेंडर वाला इंजन है, 4712 cc की इंजन कैपेसिटी और काफ़ी बड़ा इंजन आपको मिलने वाला है। वाटर एयर कूलिंग के साथ ट्रैक्टर आता है और बहुत ही शानदार, इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको रेडिएटर मिल गया, इंजन 4 सिलेंडर मिल रहा है। ये यहाँ पे आपको मिल जा रहा है एयर प्योरीफायर, CRDS टेक्नोलॉजी में एयर प्योरीफायर, जो कि काफ़ी जो ट्रैक्टर की एयर है साउंड उसको यहाँ पे फिल्टर करता है। और यहाँ पे इसका आप साइलेंसर भी देखिए, बहुत स्लिम आपको मिलने वाला है, एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। ड्यूअल पंप मोटर मिल जा रहा है ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक पावर और स्टेयरिंग पावर को बूस्ट करने के लिए। ट्रैक्टर की बैटरी हमको यहाँ पे साइड में सुरक्षित लगी मिल जा रही है। इंजन की बात करें तो ट्रैक्टर में जैसे कि आपको मिलने वाला है 4712 cc का 4 सिलेंडर दमदार इंजन, बहुत सुपर, बहुत दमदार इंजन मिलने वाला है। सेपरेट स्टेयरिंग ऑयल टैंक मिल जा रहा है, ये CRDS टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पे है, तो काफ़ी प्यूरीफाइड ट्रैक्टर इंजन है और काफ़ी दमदार आपको मिलने वाला है। तो ट्रैक्टर में आपको EGR सिस्टम देखने को मिल जाता है, CRDS टेक्नोलॉजी का काफ़ी शानदार और दमदार बड़ा इंजन इस ट्रैक्टर में मिलने वाला है। एक और मेरे भाई कमेंट करेंगे तो इसमें एक बहुत सबसे अपने आप ही मूवमेंट होगा। देखिए जैसे आप गाड़ी लेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप मूवमेंट का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। तो आगे आ गया ट्रैक्टर पे, इसका डिस्प्ले देखिए आप, तो कार जैसा आपको मिलने वाला है। गाड़ी में सारे फीचर आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिख जाएंगे, गाड़ी बैटरी पार्किंग RPM और सारी चीज़ें, डीजल वगैरह की जानकारी आपको सारी यहीं पर मिलने वाली है। एक और इसमें खास चीज़ हमको मिल जाती है कि यहाँ पे हमको 3 मोड मिल जा रहे हैं ट्रैक्टर में, जिसमें हमको नॉर्मल मोड, इकोनॉमी मोड, पार्किंग मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसको हमारे आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ पे चला सकते हैं। बाकी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग भी बहुत शानदार हमको मिलने वाली, ड्यूल एक्टिंग की पावर स्टीयरिंग प्लस। वहीं ट्रैक्टर की डीजल टैंक की बात करते तो 65 लीटर कैपेसिटी का बड़ा डीजल टैंक हमको यहाँ पे मिलने वाला, और इस ट्रैक्टर में हमको शटल शिफ्ट गियर मिल जा रहा है, जिसकी पोजीशन यहाँ, यानी किसी भी गियर में ट्रैक्टर आगे पीछे हो जाएगा इस प्रकार। इस गियर में आप देखिए राइट साइड में हमको यहाँ पे मेन लीवर मिल जा रहा है ट्रैक्टर का, जिसमें हमको 4 गियर के ऑप्शन मिल जा रहे हैं, 4 गियर के ऑप्शन है। नीचे डिफरेंशियल लॉक मिल जा रहा है। ट्रैक्टर पर चलने वाले इंप्लीमेंट को एडजस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे
ड्राफ्ट एंड पोजिशन कंट्रोल मिल जाते हैं, जिससे हम बड़े बड़े इंप्लीमेंट में यहाँ पे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते तो हमको यहाँ पे हाई लो मीडियम की तीन कैटेगरी मिल जा रही है। हाई लो मीडियम की तीन कैटेगरी यानी 12 फॉरवर्ड और सटल शिफ्ट ट्रैक्टर में मिल जाते हैं, तो 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर के ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ट्रैक्टर देखिए बहुत ही लुक में शानदार हमको यहाँ पे मिलने वाला है, और इसमें बहुत सारे फीचर जो हमको कार जैसे यहाँ पे हमको हॉर्न वगैरह और इसके इंडिकेटर वगैरह कंट्रोल करने के लिए सारे फीचर यहीं पर दिए, जो काफ़ी ट्रैक्टर को क्लासिक और एक न्यू टाइप का ट्रैक्टर यहाँ पे बनाता है। आगे इसमें देखेंगे हमको ये लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर पे आपको ट्रैक्टर में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच मिल जा रहा है, पीटीओ की और यहीं पीटीओ लीवर हमको नीचे मिल जाता है, जिसमें रिवर्स पीटीओ और 540 राउंड वाला पीटीओ भी यहाँ पे मिल जा रहा है। साथ में हमको यहाँ पे कार जैसा पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जा रहा है, और ट्रैक्टर में हमको जो इसका फोर व्हील का लीवर वो भी हमको यहाँ पे नीचे मिल जाता है, टू व्हील फोर व्हील का लीवर हमको यहाँ पे नीचे मिलने वाला है। भाई दूसरी साइड ट्रैक्टर की ब्रेक की बात करते हैं तो हमको ऑयल इमेज ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे ब्रेक माने जाते हैं, ऑयल वाली ब्रेक और काफ़ी शानदार वर्क करते हैं। साथ में हमको ये डिफरेंशियल लॉक की सुविधा इस ट्रैक्टर में मिल जाती है, और ट्रैक्टर का आरपीएम हमको 2000 का आरपीएम यहाँ पे इस ट्रैक्टर में मिलने वाला है। बाकी ट्रैक्टर के सारे लुक के हिसाब से बात करें तो काफ़ी बढ़िया होने वाली गाड़ी, काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी गाड़ी होने वाली। किसी किसान भाइयों को बड़ी गाड़ी की हो सकता है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फोर व्हील ड्राइव में, या आपको टू व्हील ड्राइव में भी यहाँ पे मिलने वाला है। ट्रैक्टर में छोटी छोटी बातों का भी यहाँ पे आपको ध्यान दिया जाता है, जैसे ये लुक काफ़ी बढ़िया है, इसको और क्लासी बनाने के लिए कुशन वाली सीट हमको पैसेंजर की मिल जा रही है, आरामदायक सीट हमको यहाँ पे मिल जा रही है, जिसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। साथ में हमको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लॉक की सुविधा इस ट्रैक्टर में मिल जा रही है, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी बारीकी से इस ट्रैक्टर में ध्यान दिया गया है। लुक देखिए कितना शानदार आपको मिलने वाला है। साथ में जब ये गाड़ी चालू होती है तो आपकी इसकी जो LED की कोडिंग है, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, काफ़ी बढ़िया काफ़ी क्लासी लुक इस ट्रैक्टर का हमको लगने वाला है। ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी पीछे के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया हमको यहाँ पर ट्रैक्टर मिलने वाला है। पीछे चलते हैं ट्रैक्टर में, एक और इस ट्रैक्टर की खासियत आपको मिल जाती है, ट्रैक्टर की P2HP की इस सेगमेंट में जो ट्रैक्टर की P2HP, जैसे कि मैं कंपनी फिटेड प्लेट पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 59.8 HP लगभग 60 HP की हमको यहाँ पर ट्रैक्टर की PTO पावर मिल जा रही है। बिल्कुल सही सुना आपने, 60 HP की PTO पावर और 275 की SFC हमको इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। भाई साहब PTO में तो ट्रैक्टर काफ़ी दमदार होने वाला है, 60 HP की PTO पावर बहुत ही दमदार PTO होती है। उसके बाद इसमें पीछे चलते हैं हम यहाँ पे, तो ट्रैक्टर में हमको यहाँ पे 60 HP के जैसे हमको PTO पावर तो मिल जा रही है, बड़े बड़े इंप्लीमेंट को चलाने के लिए बढ़िया पॉइंट मिल जा रहा है, जिससे हम ट्रैक्टर पर बड़े बड़े इंप्लीमेंट आसानी से चला सकते हैं। केवल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मिल जा रहे हैं, जिससे हम ट्रैक्टर पर पल्टी प्लाउ और MD प्लाउ, साथ में हमारे जो JCB के फीचर जो किसान भाई ट्रैक्टर पर चलाने जाते हैं, लोडर वगैरह लगाते हैं, सारी चीज़ें बहुत सारे इंप्लीमेंट आजकल आ गए ट्रैक्टर, तो उसको भी हम आसानी से चला सकते हैं, सीट पे से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में P2HP तो हमने आपको बताया 540 राउंड वाला दमदार PTO, चीज भी इसका पूरा एडजस्टेबल है, आपकी जैसे भी इंप्लीमेंट हो उसके हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। दोनों साइड आपको बार मिल जा रहे हैं, आपके हिसाब से ट्रैक्टर को एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है, तो इस ट्रैक्टर में हमको 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जा रही है। पीछे की टेल लाइट भी बहुत बड़ी दमदार मिलने वाली, साथ में आप देखिए लुक पीछे का भी, इसमें भी आपको LED कोडिंग जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लगने वाली। जैसे कि हमने ट्रैक्टर में देखा 60 HP का PTO, शायद 65 HP के ट्रैक्टर में अभी तक हमको कहीं देखने को मिला नहीं है। टायर साइज की बात करते हैं तो MRFS इसमें टायर लगे हुए हैं, और 16-9-30 के बड़े टायर हमको यहाँ पे मिलने वाले। पीछे के टायर 16-9-30 के बीच में हमको यहाँ पे वेट मिल जा रहा है, और काफ़ी बड़े टायर होने वाले, और अगले टायर तो भैया बहुत ही खतरनाक आपको मिलने वाले। कितने के? 11-2-24 के बड़े टायर। बहुत सारे ट्रैक्टर में हमने देखा है कि 9-2-25 के मिलते, लेकिन इसमें 11-2-24 के आपको टायर मिल जाएगा। ट्रैक्टर का जो एक और ओवरऑल जो लुक आता है, काफ़ी दमदार और काफ़ी बड़ा लुक हमको यहाँ पे आने वाला है। ट्रैक्टर का काफ़ी दमदार होने वाला सोनालिका का टाइगर DI-65, जो कि काफ़ी सादा फीचर, काफ़ी अच्छे लुक और बहुत सारी क्वालिटी इसमें, जो अलग ट्रैक्टर से आपको हर दूसरे ट्रैक्टर से इसको अलग बनाता है। रेट वेट की जानकारी के लिए आपके नज़दीकी सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम पर आप जाके संपर्क कर सकते हो, और ट्रैक्टर काफ़ी दमदार होने वाले। तो दोस्तों ये सोनालिका की तरफ से आने वाला टाइगर DI-65 ट्रैक्टर, काफ़ी दमदार काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर, जिसके बारे में हमको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो अपने नज़दीकी सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम पर पहुँचिए और इसकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो। धन्यवाद।